हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हां दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचना है, यानी कि जो स्कॉलरशिप का अमाउंट आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा वो जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही देंगी। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया है और आप स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना चाहते हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो साइड आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस बेल आइकन को दबा लीजिए, उससे फायदा ये होगा नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, न्यूज़ की तरफ जाने से पहले आपको बता दें कि आप लोग अपना यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस प्लस आप लोग अपने फॉर्म में करेक्शन कहां से कर सकेंगे, जब आपका करेक्शन पोर्टल ओपन हो जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या न्यूज़ है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट कितना कितना पैसा आपको स्कॉलरशिप का देंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सिंपली अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, वहां पे आपको सर्च करना है sarkarijobfind.com। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहां से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijobfind.com। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आना है। आप लोग यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देख सकते हैं जहाँ पे आपको सिंपली चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2021-22 पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको सिंपली स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग 5 से 6 लिंक्स देख सकते हैं जहाँ पर आप लोग अपना प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर का फॉर्म लॉग इन कर सकते हैं। प्लस आप लोग यहाँ से अपना स्टेटस भी देख सकेंगे, जैसे ही आपका स्टेटस आ जाएगा प्लस आप लोग यहाँ से करेक्शन भी कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ, आपको न्यूज़ दिखाते हैं कि क्या न्यूज़ है और आपको बताते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कितना पैसा देने वाली है और सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा देने वाली है और आपको कब स्कॉलरशिप का लाभ मिल जाएगा, यानी कि जो स्कॉलरशिप है वो आपके बैंक अकाउंट में किस डेट में ट्रांसफर होने वाली है। सो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं न्यूज़ की तरफ। सो गाइज, यहाँ पर आप लोग ये न्यूज पढ़ सकते हैं, 40 लाख को 27 दिसंबर तक मिलेगी रकम। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सभी छात्रों को जो स्कॉलरशिप है वो 27 दिसंबर तक मिल जाएगी, मगर कुछ छात्रों को जो इसी मंथ में मिलने वाली है यानी कि नवंबर के महीने में। तो यहाँ पे आप लोग ये न्यूज पढ़ सकते हैं कि क्या न्यूज है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने वाले पात्र यानी कि 15 लाख छात्र छात्राओं के ब्यूरो का सत्यापन हो रहा है, यानी कि जो आपके फॉर्म है वो कॉलेज लेवल से फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। ये काम 25 नवंबर तक चलेगा, 30 नवंबर से इनके बैंक खाते में राशि भेज दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 30 नवंबर तक जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी कि एक हफ्ता भी नहीं है वो आपकी स्कॉलरशिप आने में। तो आप लोग अपना अकाउंट वगैरह सब कुछ एक्टिव रखिएगा, आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड दोनों ही चीज़ें उसमें लिंक होनी चाहिए, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। इसके बाद 29 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं को 27 दिसंबर तक राशि दी जाएगी। इसमें करीब 40 लाख छात्र छात्राएं पात्र होंगे। इस तरह इस स्तर में 55 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति फीस भरपाई की राशि दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दिसंबर एंड तक जो है सभी छात्रों को लाभ मिल जाएगा, यानी कि लगभग मिड जनवरी तक सभी छात्रों के अकाउंट में स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मगर जो छात्र 25 अक्टूबर तक अपना फॉर्म फिल कर चुके हैं और कॉलेज में जमा करके कॉलेज से वेरीफाई करा चुके हैं, उनकी जो स्कॉलरशिप है वो 30 नवंबर तक उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब बात आती है कि स्टेट गवर्नमेंट कितना पैसा देगी प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देगी। तो यहाँ पे आप लोग ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं, 2 चरणों में मिलेगी राशि। जी हाँ दोस्तों, पहले चरण में 40% राशि राजवंश के रूप में समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से मिलेगी। दूसरे चरण में 60% राशि केंद्र के रूप में केंद्र से खातों में हस्तांतरित की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 40% पैसा वो आपका स्टेट गवर्नमेंट देगी और 60% पैसा जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और यहाँ पे आप लोग एक चीज और क्लियर करूँ, जैसे कि अगर आपका 10,000 रुपये आने वाले हैं स्कॉलरशिप के तो 4,000 रुपये जो है आपके वो स्टेट गवर्नमेंट देगा और 6,000 रुपये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, यानी कुछ इस तरह से जो आपकी स्कॉलरशिप है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अपना अकाउंट एक्टिव रखिए, आधार कार्ड पैन कार्ड उसमें लिंक करा के रखिए, क्योंकि जो DVD पेमेंट हो रहा है अगर आपका जो आधार कार्ड है वो लिंक नहीं होता तो आपकी स्कॉलरशिप की जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हो जाएगी। और अगर किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।